हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी गुरु में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रापाषाण काल, जो अमर फारूकी की बुक है सोशल फॉर्मेशन, उसका ये चैप्टर 2 है। और इसका फर्स्ट चैप्टर मैंने पहले ही बना के अपलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल को ओपन करके भी देख सकते हैं, फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से भी जा करके उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह प्रापाषाण काल, तो जो प्रापाषाण काल है, प्रापाषाण काल ही प्रागैतिहासिक काल का जो है ये सबसे बड़ा चरण है, कि जो प्रागैतिहासिक है, जो हमारा उसका ये सबसे बड़ा चरण है। और इसमें हिमयुग का एक भाग भी है, यह हिमयुग था जो उसका एक भाग भी है। इस समय में आदि मानव भैंस, गैंडे, चीते, हाथी इत्यादि के साथ पृथ्वी पर रहता था। जो मानव था उस समय में भैंस, गैंडे, चीते, हाथी इत्यादि सभी पृथ्वी पर रहते थे। प्रापाषाण काल 3 संस्कृतियों चरणों में विभाजित है। जो प्रापाषाण काल है उसको 3 चरणों में विभाजित किया गया है। तो पहला है निम्न प्रापाषाण काल, और दूसरा है मध्य प्रापाषाण काल, तीसरा है नव प्रापाषाण काल। निम्न प्रापाषाण संस्कृतियाँ, जो पहला पॉइंट हमारा ये निम्न प्रापाषाण काल, पहले हम उसको देखेंगे। तो माना जाता है कि सबसे पहले औजार का निर्माण होमो हैबिलिस ने किया था। जो माना जाता है कि जो सबसे पहले औजार का निर्माण था वो होमो हैबिलिस ने किया था। तो रिच डिली की है, जो एक वैज्ञानिक है, पुरातात्विक शास्त्री हैं, ये चैप्टर 1 में मैंने बताया था इनके बारे में। तो ये जो है, इनके मुताबिक औजारों की बनने की प्रक्रिया होमो हैबिलिस के पदार्पण के साथ शुरू हुई। जो होमो हैबिलिस थे, इनके आने के साथ ही ये प्रक्रिया शुरू हुई थी औजार गढ़ने की, क्योंकि इनके मस्तिष्क का आकार थोड़ा बड़ा था। होमो हैबिलिस के मस्तिष्क के आकार का बड़ा होना कारण औजार बनाने की भूमिका निभाई थी। जो होमो हैबिलिस था उसके मस्तिष्क का आकार बड़ा था, इसी कारण औजारों के विकास में इसकी सबसे बड़ी भूमिका निभाई। ऑल्डुवाई है, वहाँ से पत्थर के औजार निर्माण के शुरुआती साक्ष्य मिले। जो ऑल्डुवाई नाम की एक जगह है, वहाँ से पत्थर के औजार मिले हैं, जहाँ से पता लगता है कि जो औजार निर्माण की शुरुआत है वो ऑल्डुवाई से हुई थी। लुईस लिकी और मेरी लिकी ने ओल्डोवान संस्कृति की खोज की भूमिका निभाई। जो लुईस लिकी और मेरी लिकी, जो इनकी पत्नी है मेरी लिकी, इन्होंने ओल्डोवान संस्कृति की खोज की भूमिका निभाई। तो जो होमो हैबिलिस के बनाए औजार बेड़व और परिष्कृत थे, अपरिष्कृत थे। जो होमिलविस थे, उनके जो औजार थे वो बेड़व और अपरिष्कृत थे। ये आकार छोटे और बटिकाशम पेबल्स के बने होते थे। ये जो औजार थे, ये बटिकाशम पेबल्स पेबल्स जो होते हैं नदियों में, जो पत्थर बह करके आ जाते हैं, उनसे जो टकरा के जो चिकने पत्थर हो जाते हैं उनको पेबल्स कहते हैं। तो ये उससे बने हुए थे। औजार बनाने के लिए एक पत्थर के टुकड़े से छोटे पत्थर पर चोट की गई। जो औजार बनाने के लिए, ऐसा माना जाता है कि एक बड़े पत्थर के टुकड़े से एक छोटे पत्थर पर चोट की गई होगी, और पत्थरों को धारदार बनाने के लिए सचेत प्रयास किया गया होगा। जो पहले तो चोट की गई होगी, फिर उसमें जो मानव को जरूरत थी उस पत्थर की, उसका जो उसके जैसा उन्हें मिल गया होगा कुछ, तो उनको निकाल के रख लेते थे, तो वही उनका औजार हो जाता था। अच्छा, पत्थरों को धारदार बनाने के लिए उसके लिए सचेत प्रयास किया गया था। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के औजार गढ़ने पर शक है, क्योंकि इसके लिए बड़ा मस्तिष्क होना अनिवार्य था। जो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस था, इसके औजार गढ़ने पर शक है, क्योंकि औजार बनाने के लिए बड़ा मस्तिष्क होना अनिवार्य था। और ऑस्ट्रेलियोपिथेकस का मस्तिष्क जो था उसका आकार बहुत छोटा था। औजार बनाने के लिए पहले औजार का खाका रचना पड़ता है, ये सिर्फ उच्च मानसिक शक्ति से ही संभव हो पाता है। जो औजार बनाने के लिए होता है, तो उसका पहले खाका, मतलब वो कैसा बनेगा, उसका मॉडल जो पहले से दिमाग में बनाना पड़ता था कि ये कैसा दिखेगा, इसीलिए ये जो था, ये सिर्फ उच्च मानसिक शक्ति के ही संभव हो पाता था। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, उनके अंदर छोटा मस्तिष्क था, इसलिए होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस तथा औजार निर्माणों की शुरुआत के बीच का गहरा रिश्ता, जो इसीलिए होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस है, जो ये औजार निर्माण की शुरुआत है, इनके बीच में गहरा रिश्ता है कि इन्होंने औजार गढ़े थे सबसे पहले। ओल्डवान औजार प्रापाषाण काल की शुरुआत का रेखांकन करते हैं। जो ओल्डवान औजार हैं वो प्रापाषाण काल की शुरुआत को रेखांकित करते हैं। होमो हैबिलिस उन्हीं का शिकार करता था जिस पर वह काबू पा सकता था, जैसे बारहसिंगा। जो बारहसिंगा था वो छोटा जानवर होता था, तो होमो हैबिलिस है वो उन्हीं का शिकार करता था, या परभक्षी पशुओं द्वारा छोड़े गए हिस्से को गुजारा करता था। जो परभक्षी पक्षी होते थे कि जो जानवरों को मार मार के खा के छोड़ देते थे थोड़ा बहुत, तो उसमें से ये लोग उठा करके ले आते थे और इसी से अपना गुजारा करते थे। तो ओल्डोवान औजार का इस्तेमाल अस्थि मज्जा निकालने के लिए किया जाता था। ओल्डोवान जो औजार थे, तो उनका इस्तेमाल अस्थि मज्जा, कि जो मांस वास हटा करके उसका अस्थि का जो कुछ खाने की चीज़ होती है उसको निकालने के लिए किया जाता था।
ताकि उन्हें उससे प्रोटीन वोटीन और खाने के लिए अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ खाने को मिले। अभी हमें ठीक से पता नहीं है कि होमो हैबिलिस की खुराक में मांस शामिल था या नहीं, तो अभी हमें ठीक से पता नहीं है। इस पर भी विवाद चल रहा है कि होमो हैबिलिस की खुराक में मांस शामिल था या नहीं, लेकिन साक्ष्यों की जांच पड़ताल से पता चलता है कि जूठन खाना और छोटे जानवरों के शिकार करने से मांसाहार की शुरुआत हुई थी। जो हमें साक्ष्य मिले उनके पड़ताल से यह पता लगता है कि जो जूठन खाना मतलब परभक्षियों द्वारा जो जो मांस छोड़ दिया जाता था उसको खाना और छोटे जानवरों का शिकार करने से मांसाहार की शुरुआत हुई थी। तो बाद में वही धीरे धीरे कुशल शिकारी बन गए थे, तो बाद में चलते चलते ही धीरे धीरे कुशल शिकारी बन गए थे। तो औजार निर्माण करते समय एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर चोट की गई होगी और पत्थर के कई टुकड़े में बट गए होंगे। जो औजार निर्माण था उसमें औजार निर्माण करते समय एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर चोट की गई होगी और बाद में फिर वो कई टुकड़ों में बट गया होगा पत्थर। उससे कुछ टुकड़े आपस में मिलते जुलते होंगे जिसका खाका उनके दिमाग में था। तो जो उनके दिमाग में जो उन्होंने पहले अपना खाका बना रखा था वो जो टुकड़े हुए थे उनमें से कोई एक मिल गया होगा उन्हें, कि जो उनके दिमाग में पहले से खाका था उसको उसने निकाल लिया और जिनकी ज़रूरत होती थी वो पूरी हो जाती थी। ऐसे औजार का निर्माण हुआ होगा। होमो इरेक्टस थे जो हस्तकुठार का इस्तेमाल करते थे। हस्तकुठार जो था नाशपाती अंगूर की बूंद की शक्ल के होते हैं। जो हस्तकुठार है वो नाशपाती अंगूर की बूंद की शक्ल के होते हैं और जो होमो इरेक्टस थे वो हस्तकुठार का ही इस्तेमाल करते थे। इसका एक सिरा नुकीला और एक सिरा चौड़ा होता था। जो हस्तकुठार होता है उसका एक सिरा नुकीला होता है और एक सिरा चौड़ा होता है। ओल्ड वन की तुलना में ये बड़ा और काफ़ी हद तक सुडौल होता है, कि जो ओल्ड वन औजार थे उससे ये काफ़ी हद तक बड़ा और सुडौल था। हस्तकुठार क्रोड़ कोर औजारों की श्रेणी में आते हैं। जो हस्तकुठार वो कोर के औजार की तकनीक में आते हैं। पत्थरों के औजार दो समूह के थे, एक क्रोड़ औजार थे एक थे शल्क औजार। तो जो शल्क औजार थे जो पत्थरों पर चोट करने से मिले टुकड़ों या शक्लों पर गड़े जाते थे। जो पत्थरों का चोट करने से जो मिले छोटे टुकड़े या उसमें शक्लों से गड़े जाते थे। फिर उसके बाद आती है हमारी ऐसूली संस्कृति। जो होमो इरेक्टस के साथ जो संस्कृति फली फूली थी उसका नाम उत्तर फ्रांस के एक स्थल ऐसूली संस्कृति पर रखा गया था। जो ऐसूली संस्कृति है ये उत्तर फ्रांस के एक स्थल के नाम पर रखा गया। जो होमो इरेक्टस थे इनके साथ ये संस्कृति फली फूली थी। ऐसूली हस्तकुठार परंपरा 14 लाख साल पहले विकसित हुई और होमो इरेक्टस से जुड़ी सात घनिष्ठ रूप से ही जुड़ी रही। जो ये ऐसूली हस्तकुठार परंपरा थी वो 14 लाख साल पहले विकसित हुई थी और ये होमो इरेक्टस के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी रही थी। ये 1.5 लाख साल तक जारी रही। जो ये परंपरा थी ये 1.5 लाख साल तक जारी रही। हस्तकुठार था जो बुनियादी रूप से मांस को खाने योग्य बनाने के लिए हुआ करता था। ये जो हस्तकुठार था इसका इस्तेमाल अधिकतर मांस को खाने योग्य बनाना होता था, मतलब कि उसमें से गंदी चीज़ें बाहर से काट पीट के निकाल करके बाहर फेंक देते थे, क्योंकि उसका एक सिरा नुकीला होता था तो उसमें ये जानवरों को उसे मार भी आसानी से पा लेते थे और उसका मांस भी जो था वो भी आसानी से निकाल लेते थे। जो होमो इरेक्टस थे वो छोटे औजारों का भी इस्तेमाल करते थे, जैसे मांस तराशने के लिए ज़्यादा उपयोगी थे। जो होमो इरेक्टस थे वो छोटे औजारों का भी इस्तेमाल करते थे, मांस तराशने के लिए ज़्यादा उपयोगी थे। हथियार के रूप में हस्तकुठार का इस्तेमाल जानवरों के शिकार में और साथ ही परभक्षी जानवरों के बचाव दोनों उद्देश्य के लिए किया जाता था। जो हथियार के रूप में जो हस्तकुठार था उसका इस्तेमाल जो था हथियार के रूप में भी करते थे और जानवरों का शिकार करने के लिए भी करते थे, और जो परभक्षी जानवर होते उनसे बचाव के लिए भी करते थे। जो हस्तकुठार था तो इससे पता लगता है कि इसके कई सारे यूज थे। होमो इरेक्टस जहाँ भी पाए गए औजार बनाने की तकनीक साथ ले गए। जो होमो इरेक्टस थे जहाँ भी इनके साक्ष्य मिलते हैं ये जहाँ भी जाते थे वहाँ पे औजारों की तकनीक साथ लेकर के गए थे। करीब 10 लाख साल से अधिक होमो इरेक्टस ने औजार बनाने की तकनीक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सौंपते रहे। जो 10 लाख साल तक था यही प्रक्रिया चलती रही कि होमो इरेक्टस जो भी औजार बनाते थे वो अपनी अपनी अगली पीढ़ी को भी सिखाते थे। जो शिशु का मस्तिष्क था जन्म लेने के समय महज 1/3 होता था। शिशु का मस्तिष्क छोटा होता था और उसे कमजोर बना देता था। जो शिशु होता था उसका जो जन्म लेता था शिशु जब, तो उसका मस्तिष्क जो था वह महज 1/3 होता था। शिशु का मस्तिष्क छोटा भी होता था जिसके कारण वह कमजोर होता था। तो जब मस्तिष्क में वृद्धि होती है तो परवरिश है जो वो बड़े एहतियात से करनी पड़ती है। जो उसके पेरेंट्स होते थे स्त्री पुरुष जो भी थे तो उसको बहुत ही ध्यान से उन्हें पालना पड़ता था। शिशु के बड़ा होने के दौरान कुछ एक वयस्क स्त्री पुरुष की सुरक्षा तथा भोजन मुहैया कराते थे। जो शिशु होता था उसके जो कुछ जो स्त्री पुरुष जो भी उसकी सुरक्षा करते थे और उसको भोजन मुहैया कराते थे। वयस्क बनने में कई साल लगते थे। जो शिशु था उसको वयस्क बनने में कई साल लगते थे। वयस्क बनने के दौरान माँ और शिशु के बीच में रिश्ता जो था वो बहुत स्थिरता प्रदान होती थी। जो वयस्क बनने के दौरान माँ और शिशु के बीच का जो रिश्ता होता था उसमें स्थिरता प्रदान होती थी। वह सामाजिक समूह को
स्थिरता देता था कि जो माँ बेटे का जो रिश्ता होता था वो बहुत अच्छा हो जाता था, और जो समूह होता था, जो सामाजिक समूह होता था, उसमें भी वो अच्छे ढंग से व्यवहार करते थे वो सब। तो ये जिंदा रहने का गुर सीखने और संस्कृतियों के तत्वों के आत्मसात करता था। तो ये जो शिशु होता था वो जिंदा रहने का गुर सीखता, गुण और जब गुर जो भी होता है वो सीखता था और संस्कृति के तत्वों को आत्मसात करता, कि जो संस्कृति थी कि वो कैसी है, किस तरह से है, क्या करना है, कुछ करना है, तो वो सब उसको भी सीखता था। मस्तिष्क का बड़ा आकार बड़ी मात्रा में सूचना संग्रह करता है। जो मस्तिष्क का जो बड़ा आकार होता है वो बड़ी मात्रा में सूचना संग्रह करता है, उसमें अधिक सूचनाएं आ जाती हैं। मतलब होमो इरेक्टस के समूह औजार निर्माण की जटिल तकनीक से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे। जो होमो इरेक्टस के समूह थे उनके औजार निर्माण की जो तकनीक होती थी वह जटिल होती थी, और वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उसे पहुँचाते थे। हर एक पीढ़ी में अपने अनुभव से नई सूचनाएं जुड़ती गई। जो हर एक पीढ़ी में जैसे कुछ कहीं वो उसे शार्प कर देते थे, कुछ अगली पीढ़ी आई तो उसकी उसको छोटा करा, ऐसे करते करते उसमें नई अपने अनुभवों को उसमें सूचना उसमें जोड़ते चले गए। तो इसके बाद में जो संस्कृति आती है वो क्लेक्टोनी और लवालवाई संस्कृति। पहले थी जो थी वो ओल्डोवान संस्कृति थी, दूसरी थी जो एल्डो वो एशुली संस्कृति थी, और जो तीसरी है यह क्लेक्टोनी और लवालवाई संस्कृति। उत्तरी यूरोप और इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में क्रूड औजार गढ़े जाते थे। जो उत्तरी यूरोप था उसमें इंग्लैंड के कुछ हिस्से में क्रूड औजार गढ़े जाते थे, जैसे हस्तकुठार, जो क्रोड प्रणाली पर जो मतलब निर्भर था। लेकिन जो ऐशुली हस्तकुठार था इससे भिन्न था। जो यूरोप में जो औजार गढ़े जाते थे क्रोड प्रणाली पे वो ऐशुली हस्तकुठार से थोड़े भिन्न थे। इन्हें क्लेक्टोनी और लवालवाई संस्कृति कहते हैं। जो ये है जो औजार भिन्न होना था इनको क्लेक्टोनी और लवालवाई संस्कृति कहते हैं। जो क्लेक्टोनी औजार थे वो कछुए की शक्ल के होते थे। जो क्लेक्टोनी औजार थे जो वो कछुए की शक्ल के होते थे, जबकि लवालवाई औजार गोल होते थे। जो लवालवाई औजार थे वो गोल थे, और जो क्लेक्टोनी के औजार थे वो कछुए की शक्ल के थे। औजार पत्थरों के अलावा लकड़ी और हड्डियों से भी बनाए जाते थे। तो जो ये क्लेक्टोनी और लवालवाई संस्कृति थी इसमें पत्थरों के अलावा लकड़ी, हड्डियों, इन सब से भी औजार बनाए जाते थे। जो ये लकड़ी और हड्डी के औजार होते हैं वो जल्दी नष्ट हो जाते हैं, इसलिए आसानी से नहीं मिलते। जो हम अभी जो हमें जो साक्ष्य मिलते हैं वो सिर्फ पत्थर के औजारों के मिल पाते, क्योंकि जो हड्डी और लकड़ी होती है ये जल्दी ही नष्ट हो जाती हैं। और जो लकड़ी के औजार जो थे वो जड़, कंदमूल, ये सब चीज़ें जमीन से खोद कर निकालने के लिए इन सब औजारों का यूज़ होता था। और जो होमो इरेक्टस ने करीब 7 लाख साल पहले आग का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। तो ये पुरापाषाण काल की बात हो रही है, तो इसमें होमो इरेक्टस जो था उसने करीब 7 लाख साल पहले आग का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। शुरू में आग का इस्तेमाल तब होता था जब आग प्राकृतिक कारणों से लगती थी, या झाड़ी जंगलों में लगती थी, या आसमान से बिजली गिरने पर लगती थी। तो शुरू में इन्हें इतना तो मतलब पता लग गया था कि आग नाम की कोई चीज़ होती है, लेकिन वो जो प्राकृतिक कारणों से लगती थी या जंगल झाड़ियों में लग जाती थी, या फिर आसमान से बिजली गिरती थी तब लग जाती थी, तो ये इसका यूज़ करते थे। जो आग जो लकड़ी के कुंदों में लगी होती थी, जैसे जो कुंद होते जो लकड़ियों के, उसमें अगर आग लग जाती थी तो ये बहुत लंबे समय तक जलती थी। और जो मानव के लिए मुख्य स्रोत था आग, वह इसका ध्यान रखता था कि ये बुझे ना, उसमें और लकड़ी वकड़ी जो भी था वो ला करके डालता रहता था ताकि वो बुझे ना आग, और उसका जो स्रोत है वो ख़त्म ना हो। तो जो आग का इस्तेमाल था इसके लिए होमो इरेक्टस का प्राचीन शरण स्थल है जो दक्षिण चीन में। जो होमो इरेक्टस है जो इसका जो प्राचीन शरण स्थल है, मतलब जो इसका सबसे पुराना जो प्राचीन जो शरण स्थल मतलब जगह है वो दक्षिण चीन में है। जो छुईकेदीन का स्थल बीजिंग के निकट है। तो ये जो चीन में है जो ये छुईकेदीन में है, और यह स्थान जो है ये बीजिंग के निकट है छुईकेदीन। तो ये लगभग 5 लाख साल पुराना है, यहाँ से निश्चित साक्ष्य मिले हैं। यहाँ होमो इरेक्टस के लंबे समय तक रहे थे। तो ये छुईकेदीन है ये जो बीजिंग के निकट, तो यहाँ पे ये लगभग 5 साल पुराने यहाँ पे ये साक्ष्य मिले हैं होमो इरेक्टस के। और यहाँ पे निश्चित रूप से साक्ष्य मिले हैं कि होमो इरेक्टस यहाँ पे लंबे समय तक रहता है। जो छुईकेदीन थे इसके अलावा इंग्लैंड के होसने और स्पेन में तोरालवा में आग के साक्ष्य मिले हैं। जो छुईकेदीन है इसके अलावा इंग्लैंड में होसेन और स्पेन में तोरालवा में आग के साक्ष्य मिले हैं। तो जो इस समय जो आग का इस्तेमाल जो था इन्हें ठीक ढंग से नहीं आता था, मतलब ये जो आग का इस्तेमाल करते थे तो इन्हें ये ठीक ढंग से आता है। ये बस उसी आग का इस्तेमाल करते थे जो जो प्राकृतिक कारणों से लग जाती थी, और उसी को ये लोग संरक्षित रखते थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और ये चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट है, और जल्दी नेक्स्ट पार्ट भी आएगा इसका।
तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और इसका सेकंड पार्ट है वो भी बहुत जल्दी आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।